दोस्तों, मैं डॉक्टर जैसमिन नंदा, DDHO गुरदासपुर, तुहाडे नाल मुखातिब हाँ। अज असी गल करन लगे हाँ कि जिहड़ियां वायरल हो रही ने वीडियो पंजाब दे विच, कि पंजाब दे विच कोविड पॉजिटिव के नाँ ते अंगां दी तस्करी हो रही है। लोगों दीआं किडनियां वगैरह ये वो गोडे चपनियां कढ़ के ते दूसरे लोगों नूं लगाए जा रहे हैं। ये मैं तुहानूं दसना चाहनी हाँ कि ये गल्लां बिल्कुल झूठ ते बेबुनियाद ने। जिहड़ा अंग प्रतिरोपण का जिहड़ा प्रोसीजर हुंदा या जिहनूं कहिंदे आपां ऑर्गन ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर हुंदा, वह बड़ा टैक्निकल हुंदा। उस दे विच जिहड़ा डोनर है उहदे भी टैसट हुंदे ने, जिहनूं अंग चाहीदा उहदे भी टैसट हुंदे ने। सरपंच की गवाही हुंदी है, उन्हां दे बर्थ सर्टिफिकेट लए जांदे ने, कई तरह के कागज़ लगते हैं, एफीडेविट लगते हैं। उस तो बाद उन्हां दे क्रॉस मैचिंग दे टेस्ट हुंदे ने, फिर उन्हां दी जिहड़ी है पुलिस की तफतीश हुंदी है। उस तो बाद जो केस तैयार हो जाता है तो वह मैडिकल कॉलेज पटियाला या मैडिकल कॉलेज अमृतसर दी एक कमेटी है उहदे अगे पेश हुंदा। उहदे उत्थे जिहड़े मरीज़ ने जिन्हें अंग देना है ते जिन्हें अंग लैना है, दोनों की पेशी हुंदी है। और उस कमेटी की, अमृतसर की कमेटी की मैं भी मैंबर हैगी हाँ। जिवें जिहड़े मान लो गुरदासपुर हल्के दे किसी मरीज़ ने अंग देना या लैना है, तो गुरदासपुर के सिविल सर्जन, उतों के जिहड़े डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के SMO, उन्हां दे साइन होने जरूरी हुंदे ने, उन्हां दे उत्थे पेश होना जरूरी हुंदा, उन्हां दे सामने सारी कार्रवाई हुंदी है। जिवें अमृतसर दे विच हो रहा ते अमृतसर दे SSP ने बैठना, सारी कार्रवाई करके सारी तफतीश करके जिन्हें चिर साइन नहीं होंगे उन्हें चिर कोई भी हस्पताल जिहड़ा ये काम करता। और बड़े गिने चुने हॉस्पिटल ने, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल ने ते कुछ PGI वगैरह दे विच अंग प्रतिरोपण हुंदा। उस तो बाद ही जो इन्हों इजाजत मिल जाती है तो उस तो बाद ही ऑपरेशन हुंदा। पर ये जिहड़ी वीडियो वायरल हो रही है कि कोविड के नाँ ते पॉजिटिव करके ते उन्हां दे अंग कढ़े जा रहे ने, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। क्योंकि जो अंग प्रतिरोपण करना है, ट्रांसप्लांट करना है, तो दो बैड्स से दोनों पेशेंट, दो टेबल्स से दोनों पेशेंट के ऑपरेशन कट्ठे ही होने ने, नाल दी नाल ही कढ़ के ते नाल दी नाल पा लेना। यहो जी कोई गल नहीं हैगी कि तुसीं लै के ते फ्रिज च रख दिओ, डीप फ्रीजर च रख दिओ, वो अंग डेड हो जाएंगे, उन्हां दा कोई फायदा नहीं है। इस करके एक बिल्कुल बेबुनियाद है, इसते विश्वास ना करो। तुसीं अपने टैसट करवाओ, क्योंकि टैसट करावांगे तो सानूं पता लगेगा कि सानूं होम आइसोलेशन चाहिए है कि सानू हस्पताल दाखिल होना। जे असी टेस्ट नहीं करावांगे, सानू करोना हैगा, तो असी करोना अपने समाज दे विच, परिवार दे विच फैलाई जावांगे। और उसका नुकसान किन्नू होना है? उसका नुकसान जेडे जिन्हां नूं शुगर है या जिन्हां नूं ब्लड प्रेशर है या हार्ट की बीमारी है, उन्हां नूं ये नुकसान हो सकता है, उन्हां दी मौत भी हो सकती है। तो असी देख रहे हैं कि दिनों दिन जिहड़े केस ने वधदे जा रहे ने, मौत दा आंकड़ा भी वधदा जा रहा है। सो असी समझदार बनीए, अपने टैसट कराइए। जे तुहाडे पिंड विच या हल्के दे विच हैल्थ दी टीम आ रही है तो उन्हां दे नाल कोऑपरेट करो, सहयोग करो, अपने टैसट करवाओ। जो भी वह वेरवा तुहाडे कोलों लैना चाहते हैं वो दिओ। हुण तो सरकार ने सारे रूल ही चेंज कर दिते ने, तो किसी नूं भी जबरदस्ती नाल हॉस्पिटल दाखिल नहीं किया जा रहा। जे तुहाडी मर्जी होएगी तो तुसीं हॉस्पिटल दाखिल होवो, पर जे तुसीं घर विच रह रहे हो तो तुहानूं कोई तकलीफ हो रही है, साह लैण दी दिक्कत हो रही है या कोई होर किसी तरह की परेशानी हो रही है, तो अपने डॉक्टर दे नाल राबता कायम करो तो हॉस्पिटल दे विच दाखिल होवो। इस दे विच ही साडे पंजाब दी, साडे देश दी भलाई है। शुक्रिया।